ना सिर्फ दो गुटों में बटा है बिग बॉस हाउस, बल्कि जो फैंस हैं वो भी बढ़ चुके हैं दो गुटों में। नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी एक बार फिर पहली बातें पे, और बात करेंगे दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला की एविक्शन से रिलेटेड स्टोरी के ऊपर। दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि अब मजा आएगा क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला घर से बाहर जा रहे हैं। कोई कह रहा था यार सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर निकाला है और फिर सीक्रेट रूम में रखा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई कह रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को घर से बाहर निकालना बहुत गलत है, हम बिग बॉस देखना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों जिस हिसाब से घर दो हिस्सों में बटा है, वैसे ही जो आपके दोस्त हैं, आपके फैंस होंगे जो भी इनके कंटेस्टेंट के, वो भी दो गुटों में बट चुके हैं अपनी सोच को लेकर। पर दोस्तों मैं एक चीज पहले बता दूं कि क्यों ये स्टोरी क्रिएट हो रही थी। गोदाम टास्क रखा गया है बिग बॉस हाउस के अंदर, जहां पर छीना झपटी में माहिरा जिस बैग को उन्होंने पकड़ा था उसी बैग को सिद्धार्थ शुक्ला ने पकड़ा था, एंड माहिरा शर्मा वॉज ट्राइंग टू पुल इट। वो चाहती थी कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से खींच ले, पर सिद्धार्थ शुक्ला के पास ताकत ज्यादा होने के कारण उन्होंने खींच लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो छूटने की वजह से वो अपने सर के बगल जमीन पर गिरी, एंड जिससे माहिरा शर्मा को बहुत तेज से लग गई। अब उस चीजों का बात का बतंगड़ बना लिया गया। कई एक प्रोमो रिलीज हुआ जहां पर लोगों ने बोला कि सिद्धार्थ शुक्ला को एविक्ट कर रहे हैं बिग बॉस, बेघर कर रहे हैं मतलब। लेकिन मैं दोस्तों क्लियर कट आपको बता दूं, ये सेम स्टोरी जो था वो हुआ था बिग बॉस मराठी सीजन 2 में, जहां पर आपकी नेहा सितोड़े को जाना था कन्फेशन रूम में, वो जीत जाती, पर अभिजीत केडकर चाहते थे मैं जाऊं, और वहीं पर शिव ठाकरे जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वो गिर गए थे उनको लेकर। उसके चलते सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नॉमिनेट किया गया था शिव ठाकरे को। सो अगर ये हरकतें हुई हैं तो मैक्सिमम दे सकते थे उनको नॉमिनेशन, एंड इन दैट केस बिग बॉस ने वही किया है। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को एक वार्निंग और 2 हफ्तों के लिए कंसेक्यूटिव नॉमिनेशन में डाल दिया है, जिसकी वजह से 2 हफ्ते वो लगातार नॉमिनेशन में बने रहेंगे। ये फैंस के लिए भाई अच्छी बात है कि आप प्रूव करिए कि आप कितने अच्छे फैन हो सिद्धार्थ शुक्ला को, और उन्हें मैक्सिमम वोट देकर घर में बचाइए। वहीं कहीं ना कहीं पारस और क्या नाम है माहिरा शर्मा हो सकती है नाराज कि शिट, हमारा प्लान था सिद्धार्थ शुक्ला को घर से बाहर निकालने का, पर वो निकल नहीं पाए। तो दोस्तों जो भी सिद्धार्थ शुक्ला के अपोजिट में है, आई एम नॉट विद सिद्धार्थ शुक्ला, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि कहीं ना कहीं एक रूल होता है, जब तक आप फिजिकल वायलेंस नहीं करते हो जानबूझकर, तब तक आप घर से बेघर नहीं होते हो। सिद्धार्थ शुक्ला ने जो किया है वो जानबूझकर नहीं किया गया था, इट वॉज जस्ट अग्रेशन इन टू द टास्क, एंड ड्यूरिंग द टास्क इट हैपेंस अनइंटेंशनली। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली बिग बॉस उन्हें नॉमिनेट कर सकते थे, और बिग बॉस ने वही किया है जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला होंगे नॉमिनेट अगले 2 हफ्तों के लिए। सो दोस्तों ये रही पूरी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, मतलब जो भी सच है वो आपको पता चला है, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक लिखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।